हिंदू स्वाभिमान संगठन और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कनीना को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जम्मू कश्मीर की घाटी में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार करने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच कराने को लेकर दिया गया। हिंदू स्वाभिमान संगठन के जिला प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि ज्ञापन में 1990 में जम्मू कश्मीर की घाटी में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार के सभी दोषियों के खिलाफ चार्जशीट करवाकर जल्द से जल्द मृत्युदंड की सजा देने की मांग की गई। साथ ही घाटी से निकाले गए हिंदुओं के घर वापसी की जाने की बात कही गई। मांग है जी जो यति नरसिंह जी का है, और ज्ञापन हमारा था ये केवल कश्मीर के ऊपर नजर न डाले, कश्मीर तो है ही है, मेवात के ऊपर भी नजर डाले। मेवात में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, गांव खाली करवा दिए गए, उनके ऊपर सरकार की कोई नजर नहीं जा रही है, तो सबसे मेन तो वही चीज है हमारे मेवात। देखो आज एसडीएम साहब के माध्यम से हमें सरकार के नाम प्रधानमंत्री तक के लिए हमने ज्ञापन दिया है, उसमें मेन मुख्य हमारी मांगे हैं जो वो एक तो ये है कि 1990 में जो जम्मू कश्मीर की घाटी में जो कि आप सभी के सानिध्य में है जो नरसंहार हुआ था, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था और हत्याएं हुई थी, उनके खिलाफ सीबीआई जांच की हमारी सबसे पहले प्रथम मांग है। चार्जशीट करवाकर जल्दी से जल्दी सजा का प्रावधान हो। तीसरा, घाटी से निकाले गए हिंदुओं को तुरंत प्रभाव से वापसी कराई जाए और उनको जो उनकी संपत्ति थी वो उनकी संपत्ति दिलवाई जाए। पांचवा, एक देश के एक संविधान एक कानून लागू हो, हम दो हमारे दो सबके दो यही रहे। पांच जो राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, तो इसमें मुख्य मांग हमारी ये की है जो घाटी में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ